नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। घाघर नदी में फिर से बड़ा जल स्तर, तलहटी में खेती करने वाले किसानों की बड़ी चिंताएं। गुलाचीका में छोड़ा गया करीबन 53,000 क्यूसेक पानी। प्रशासन इस समय अलर्ट पर है और अभी तक बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं। हिमाचल व पंजाब में बरसात होने के कारण घाघर नदी में जल स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। नदी में अगले 2 दिनों में जल स्तर और अधिक बढ़ने की उम्मीद है। घाघर नदी में बढ़ रहे जल स्तर को लेकर के प्रशासन भी सतर्क हो गया है। सिरसा में नदी के निगरानी शुरू हो चुकी है। पानी की आवक पहले से ही सिरसा में ओटू की नहरों में पानी छोड़ा जा चुका है। ओटू वीर से निकलने वाली 6 नहरों में करीबन 2500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। साथ ही करीबन 10,000 क्यूसेक पानी राजस्थान साइफन के माध्यम से छोड़ा जा रहा है। फिलहाल आज ओटू हेड पर करीबन 23,000 क्यूसेक पानी रिजर्व है। आपको बता दें कि घाघर नदी में तेजी से जल स्तर बढ़ रहा है और ताज़ा आंकड़ों के अनुसार गुलाचीका में सुबह के समय 52,387 क्यूसेक पानी उस समय था। वहीं खनौरी हेड में 14,425 क्यूसेक तथा चांदपुर हेड में 12,800 क्यूसेक पानी का स्तर मापा गया। इसके अलावा जिला प्रशासन के अधिकारी नदी में पीछे जल स्तर जो बढ़ने की आशंका बता रहे हैं, वो हर प्रत्येक घंटे में अपडेट कर ले रहे हैं ताकि नदी पर पूरे पुख्ता प्रबंध किए जा सकें। ओटू वीयर पर आज दोपहर तक करीबन 2,500 क्यूसेक पानी पहुंच चुका है। पानी का जल स्तर बढ़ने के मद्देनज़र प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है और हर प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए तत्पर है। हालांकि ओटू वीयर में पानी संभालने की क्षमता 40,000 क्यूसेक है। वहीं दूसरी ओर नहरों में पानी छोड़ने से धान उत्पादक किसानों में भी राहत की सांस है। नहरों में पानी छोड़ने से किसानों को नहरी पानी भी उपलब्ध होने लगा है, जिससे धान की सिंचाई करने वाले घाघर का पानी पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं घाघर में पानी न होने के कारण किसानों को मजबूरीवश नलकूपों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, लेकिन अब पानी छोड़ दिए जाने के बाद उनको राहत है। आपको बता दें कि पिछले महीने की तरह ही घाघर नदी का जल स्तर बढ़ने से नेजाडेला गांव के नज़दीक घाघर नदी के अंदरूनी तटबंध टूटने के करीब 500 एकड़ फसल जो है जलमग्न हो गई थी, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया था। धीरे धीरे घाघर नदी का जल स्तर कम हुआ तो किसानों की मेहनत कर दोबारा से किसानों ने फसलें बीज दी, लेकिन एक बार फिर से नदी का जल स्तर बढ़ने की आशंका है, जिससे किसानों और ग्रामीणों की चिंताएँ भी वैसे ही बढ़ने लगी हैं। वहीं सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता राजेश कुमार ने बताया कि अभी तक बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं है। बढ़ते जल स्तर पर निगरानी रखी जा रही है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। अब क्या करें, पानी तो आ रहा है पीछे से जी, इसके बाद की पेड़ तो ही नहीं पूरी थी। पिछली बार टूट गया था, फिर नुकसान हुई, अब फिर दोबारा बिजली पानी उन्होंने खतरे में है वो पानी तो। अब तक जो पानी आ रहा है उससे क्या कोई बाढ़ बूढ़ का अभी तक कोई खतरा है कि नहीं? अभी तक तो कोई खतरा नहीं है। मतलब ऐसे जी, 1.5 महीना पहले जो पानी आया था उसके मानदंड नुकसान बहुत हो गया है। बिकन के मतलब इधर 150-250 एकड़ अपने रकबा खराब हो गया, उसको फिर बिजाई कर दिया गया है। लेकिन अब देखो भी अब बरसात फिर बहुत आ गई है, जैसे पानी आ रहा है ये खतरे की मतलब है संभावना, लेकिन फिर भी देखो भी अगर कोई प्रशासन या कोई भी सरकार या कोई सहायता करे तो छोटा सा सिस्टम बन सकता है। और बाकी अब देखो भी नाली के सामने आप खड़े हैं, इसको देखो भी बढ़ रहा है पानी। पहले बहुत नीचे था, अब तकरीबन कम से कम कल से परसों से 7-8 फुट बढ़ गया, और इसका मतलब खतरा ही खतरा आ रहा है। और इसका जो भी जैसे सरकार को कहे तो सोचे या कोई मतलब उसका सोच हक भी बनता है जनता की सहायता करे। अब तक जो पानी आ रहा है उससे क्या अभी तक फिलहाल तो बाढ़ तो अभी तक तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सोचने के बाद कोई 1-2 दिन के बाद जैसे पीछे से कोई महसूस हो रहा है कि पानी बहुत आ रहा है, तो उसके बाद हम लोग को खतरा ही खतरा है जी। खतरा तो लगता ही, पहले फसल बर्बाद होगी, हम दोबारे बोइए दोबारे फिर डर रहेगी, ज्यादा पानी आता है तो खतरा ही, फायदा भी होता भी नुकसान भी है जी। लेकिन अब तक जो पानी आया है उससे तो कोई बाढ़ का खतरा नहीं अब तक आया? वो तो नुकसान हुआ है जी, बंद अंदर सारा ही नुकसान है जमींदारा का। हूँ फिर दोबारे डर है जी, हूँ दोबारे लगाया फिर भी डर है पानी का जी, खतरा तो है ही जी। पानी बहुत ज्यादा कहते जी, फिर तो पूरा पिंड नू भी खतरा हो सकता है। एक जेड़ा बड़ा बन है ये पिंड ही है,
परे मल्ले वाले तो लेके बुढ़े पानी तितर है ही नहीं, वो बन भी होना जरूरी है, नहीं तो मल्ले वाले सारे पिंड नूं खतरा ही खतरा जी। सानू ना डैम दा करके बहुत दाब पैंदी है इत्थे। कौन कौन सब तो बांध का बांध नहीं है बड़े वाला ये जी मल्ले वाले तो लेके बुढ़े पाना करैड़ कोट तितर है ही नहीं जी। दस बारह पिंड हाँ जी सारनी तो लेके बंद करता सी, काला पानी एकदम आया, उसने बंद टूट गया, अंदर भी फसल बहुत ज्यादा नुकसान होया। बड़ी मेहनत नाल लोगों ने फसल तैयार की सी, मतलब पक्की हुई फसल, पिछली बारी मतलब नुकसान हो गया, अब की बार फिर मतलब के फसल उ मतलब फसल पकने वाली फसल कुछ दिन पहला मतलब कि पानी आ गया, हुण दोबारा लोगों ने इन्नी मेहनत मजदूरी नाल कड़ी मेहनत नाल 3,500 रुपये लवाई जी, मैं गंदे पटरू मार दी पानी जो झोना लवाया इन्होंने, अज वो कंडीशन फिर पानी की, वो फिर कंडीशन आई खड़ी है, वो फिर डुबन निकल कर 600 किला जमीन जी है, 3 पिंडा की यह जमीन आएगी जी, मतलब जिले का नुकसान दोबारा पानी ज़्यादा आता है, कोई इतने बन नहीं, कोई कुछ नहीं है, ये नुकसान दोबारा हो सकता है। दूजा बुढ़ापना साइड है, बुढ़ापना कराड़कोट है, इस साइड कोई बन नहीं है, कोई गवर्नमेंट का कोई फैसिलिटी नहीं, कोई बन नहीं है, इधर भी बन बनाया जाए गवर्नमेंट इस बन मतलब कि जो किनारे के बन बने बैठे उन्होंने बेचारे कोई फैसिलिटी दी जाए ताकि वो बन आए साल लाद मिट्टी लाद तो तगड़ा बन किया जाए, मतलब तेल की फैसिलिटी दी जाए जा लाइट की व्यवस्था, मतलब हम पानी वो सिस्टम फिर हो रहा है जी, पानी बहुत ज़्यादा चढ़ा पानी का हो रहा है, जिस तरह मतलब कि पानी नाली पहला चढ़ रही है उस तरह फिर चढ़ रही है। नाली की खुदाई की बार बार क्या ये भी कारण बाढ़ का कारण होता है, खुदाई नहीं हो रही है, जिस तरह ने हाइड से पैसा लाया है झील बनाई है जी, अब साढ़े देखो ट्रैक्टर चली जाते हैं, असं यदा पानी मतलब घग्गर का पानी चक्के लिफ्ट करके असं खेतों बाहर भी खेत लाने, अगर जो सा पानी झील मतलब बंदोबस्त किया जाए इस गहरी किया जाए ताकि पानी सानू मतलब कि सिंचाई वास्ते भी कम देवे, तो जो फ्लड जो अगे अगे पानी वेस्ट चला जाता पाकिस्तान चला जाता अगर पानी वेस्ट पानी जी, तो सानू यदि पानी की भी सू मदद हो कुछ ना कुछ, जो नुकसान है सू भरपाई मिलेगी। फिलहाल तो मतलब परेशानी की दिक्कत वाली कोई ऐसी बात नहीं है, फिलहाल मतलब हमारे घर में यहाँ तो एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट सत्संग जहाँ से एंटर होती है वहाँ पानी काफी कम है, और हमारी नहरें भी पूरी जो खरीद कर निकाली गई बस हमने वो पूरी पूरी चल रही है, बाकी हमारे पास कोई एक्स्ट्रा पानी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी चिंता की बात नहीं कि बिना चिकाल पानी हमारे पास 3 या 4 दिन में आता है, आज कई घर कुछ पानी है तो उसका 40% पानी हमारे पास आया, तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं। अगर प्रबंध की बात करें तो प्रबंध हमारे बिल्कुल पिछली बार हमने 22-24 हज़ार कुछ पानी निकाला था, वही प्रबंध है, वही हमारी सारी टीम रात में बैठ पे है, इसी बैग मंगा रखी है, बंगला मंगा रखी है, और मशीन जैसी मशीन का और अरेंजमेंट बना है। पिछले 2 दिनों से हिमाचल व पंजाब में बारिश होने की वजह से घग्गर में एक बार फिर तूफान आने लगा है। अगर हम इसमें खड़े मेजर डाला के पुल के पास जहां अगर कल परसों की पर तुलना करें तो आज में केवल 7 फुट पानी यहां बढ़ चुका है। आप देख सकते हो पुल के पास जिस तरह से जल स्तर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये वही जगह है जहां पे 500 से 600 एकड़ पिछले महीने जल स्तर बढ़ने की वजह से पानी टूटने की वजह से करीबन 500-600 एकड़ जमीन जलबगर हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद किसानों ने अपनी मेहनत से दोबारा से फिर लगाई। इसीलिए कहा जाता है कि किसानों को धरती पुत्र कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही जल स्तर कम हुआ किसानों फिर से फसल उगा दी, लेकिन एक बार फिर जिस तरह से जल स्तर बढ़ता जा रहा है किसानों की चिंताएं निश्चित रूप से बढ़ी है। अगर हम ओटोवियर की बात करें तो आज करीबन 23,000 क्यूसिक पानी ओटोवियर में है, जहाँ की उसकी कैपेसिटी करीबन 40,000 क्यूसिक पानी है। पीछे चांदपुर गुलाचिका में भी लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है, अगर गुलाचिका के आज के सुबह 9 बजे के आंकड़े की बात करें तो करीबन 53,000 क्यूसिक पानी वहां से यहां छोड़ा गया है, यानी अगले आने वाले 1-2 दिनों में घग्गर का जल स्तर आप देख रहे हो जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, ये फिर बढ़ने की संभावना है, और ये एक बार किसान जो तलहटी में खेती कर रहे हैं आसपास खेती कर रहे हैं उनकी चिंताएं निश्चित रूप से बढ़ रही है। लेकिन प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है, लगातार दौरे किए जा रहे हैं, लोगों को निगरानी रखी जा रही है, किसी तरह की बाढ़ को खतरा नहीं है, और अब तक तो जल स्तर आ रहा है, अब तक जो पानी यहाँ बढ़ा है ओटोवियर पर आया है वहाँ